From Salman Khan, what would you beg Boris Steel? I'll say three things, and you can just place them in whatever order that you want. You're putting this on me. Nice, cute. Okay. Tardum, his fans, and his good art. Yaar, this one's a tough one. I don't know what am I going to put in what though. देखो एक ही है टाइगर और वो है सलमान खान. हम तो बिल्ली हैं उनके सामने. हम तो टाइगर कब है उनके सामने. आई डोंट थिंक एनीबडी कैन बी सलमान खान एंड आई डोंट थिंक एनीबडी शुड ट्राई एंड बी सलमान खान बिकॉज़ देयर इज ओनली वन सलमान खान. व्हिच सेलिब्रिटी कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से द फॉलोइंग? ब्रेव हार्ट. ओए सलमान भाई. सलमान खान. यस. बिसाइड्स दीस टू फादर फिगर्स इन माय लाइफ देयर इज अनदर पर्सन हुज रियली इंपैक्टेड मी एंड दैट्स द मूवी स्टार, द मेगा स्टार सलमान खान. लेट्स हियर इट फॉर हिम गाइस. और ये भी सच है कि सलमान खान ने बहुत सारे लोगों का करियर डिस्ट्रॉय किया है. अब चाहे वो विवेक ओबरॉय हो या फिर ऐश्वर्या या फिर जुबैर खान. आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ. कसम खुदा की तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा क्या था बिग बॉस में जाने का. ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके करियर पर सलमान खान ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है. पर यह भी सच है कि सलमान खान ने बहुत सारे लोगों का करियर बनाया भी है. अब चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो या फिर कैटरीना कैफ. अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सलमान खान ने इनका करियर बनाया है, पर यह सच है कि सलमान खान ने कहीं ना कहीं इनकी मदद तो ज़रूर की है. अब ये तो रही एक्टर्स की मदद करने की बात, पर सलमान खान बॉलीवुड के वो पहले एक्टर हैं जिन्होंने अब तक गरीबों की सबसे ज़्यादा मदद की है. और आज सलमान खान की वजह से इंडिया के अंदर लाखों बच्चों को खाना मिलता है, उन्हें पहनने को मिलता है. और सलमान खान यही वो इंसान है जिसकी वजह से हॉस्पिटलों के अंदर लाखों बच्चों का फ्री में इलाज होता है. शाहरुख खान मन्नत में बड़ी ही शान से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अमिताभ बच्चन जलसा में बड़ी ही लेविस लाइफस्टाइल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. लेकिन इस वक्त के हाईएस्ट प्रोटेक्टर प्रेजेंट सुपरस्टार अभी भी गैलेक्सी डिपार्टमेंट के दो बेडरूम के साथ में रहते हैं. क्या ये पैसों की कमी है या फिर कंजूसी? तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सलमान खान इतने डाउन टू अर्थ चैरिटी पर्सन हैं, उनके एनजीओ बीइंग ह्यूमन के अंडर में 4 लाख अनाथ बच्चों का पालन पोषण होता है और उनकी पढ़ाई लिखाई होती है. सलमान खान को इंडस्ट्री में उनके हेल्पिंग नेचर की वजह से भाईजान कहा जाता है. और सलमान खान कितने अच्छे इंसान हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि सलमान खान अपनी कमाई का 90% हिस्सा चैरिटी में खर्च कर देते हैं. सलमान, मैंने आपकी फिल्मों का अकाउंट देखा, किसी फिल्म ने 100 करोड़ बनाए, किसी ने 200 करोड़, किसी ने 300 करोड़, और फिर आपके जो बैंक अकाउंट है उसकी भी कुछ खबर निकाली. अच्छा, मेरे बैंक. जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं. तो आज के इस वीडियो में सलमान खान की कुछ अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानने के बाद में आप सलमान खान को एक अलग ही नज़रिए से देखने लग जाओगे. सो लेट्स बिगिन. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सलमान खान को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, एंड देन बस वो यही चाहते हैं कि कैसे भी करके लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मार दे. फॉर एग्जाम्पल, मार दिया गया सलमान खान को तो क्या होगा? लाखों गरीब परिवार भूख से मर जाएंगे और लाखों गरीब बच्चे बीमारी से मर जाएंगे, क्योंकि यही वो सलमान खान है जो अपनी कमाई का 90% हिस्सा बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके इलाज में लगा देता है. जो लोगों की मदद तो करता है पर किसी के भी सामने इसका खुलासा नहीं करता है. ये मुझे बताइए, ये कोई स्ट्रेटेजी आपकी कि जानबूझ के अपनी अच्छाई नहीं बतानी? और मेरा इल्ज़ाम आप पर यही है. एंड जो फर्स्ट इंडियन है, जो फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर है जिसने अपना बोन मैरो एक बच्ची को डोनेट कर दिया और किसी को भी इस बात का पता नहीं लगने दिया 14 साल तक. और आज सलमान खान को कुछ हो गया तो फर्क पड़ेगा किसी हेटर पर नहीं, किसी अमीर पर नहीं, बल्कि उस गरीब पर जिसका बच्चा जिंदा है सिर्फ सलमान खान की वजह से. मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ सलमान खान को, इंडिया के रियल हीरो को. एक टाइम था जब गोविंदा को कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था, लेकिन सलमान खान ने गोविंदा की काफी मदद. और फिर इसका उल्टा हुआ, जब सलमान खान का डाउनफॉल आया तो गोविंदा ने सलमान खान की मदद की. सलमान खान ने जो जुड़वा मूवी की थी, इससे पहले इस मूवी पर गोविंदा साइन कर चुके थे और इस मूवी को गोविंदा करने वाले थे, पर सलमान खान के कहने पर गोविंदा ने ये मूवी उन्हें दे दी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. और गोविंदा ने सलमान खान को ये मूवी देकर एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया और उनकी जो मदद की थी
उसका भी फर्ज अदा कर दिया। सलमान खान, अब तुम खुद ये डिसाइड करना कि इस इंसान को मैं अच्छा कहूँ या फिर बुरा। अगर आप सलमान खान के फैन नहीं हो तो ये इंसिडेंट सुनकर डेफिनेटली आप सलमान खान के फैन हो जाओगे। साल 2003 में एक मूवी आती है बूम नाम से, जिसके अंदर कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ और भी बहुत सारे एक्टर होते हैं। जैकी श्रॉफ उस टाइम पर काफी मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं। जैकी श्रॉफ बैंकक्रॉप्ट होने की वजह से एक बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं और जब इस लोन को चुकाने का टाइम आता है तो वो इस लोन को नहीं चुका पाते हैं और जो इनके लोन का अमाउंट था वो इंटरेस्ट के बाद में और भी डबल हो जाता है और अब जैकी श्रॉफ यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं और इन्हें इन मुश्किलों से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है। और ये कहानी डायरेक्ट पहुंच जाती है साल 90s के टाइम पर, करीबन अब से 20-22 साल पहले। जैकी श्रॉफ ने किसी एक एक्टर की फोटो लेकर बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे एक्टर को दिखाया और फिर जैकी श्रॉफ ने उस एक्टर को एक मूवी के अंदर रोल भी दिलाया था। और आज 20-22 साल के बाद में उसी एक्टर का फोन जैकी श्रॉफ के पास में आता है, आप टेंशन मत लो मैं सब संभाल लूंगा। और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि वो होते हैं सलमान खान। सलमान खान एक ऐसा एक्टर है जिन्होंने अब तक बहुत सारे लोगों की मदद की है, उन्हें काफी सारी मुश्किलों से निकाला है। और एक और ऐसी ही कहानी सामने आई थी साल 1995 में। सलमान खान की एक मूवी आती है बीरगति, जिसमें पूजा दत्तवाल बॉलीवुड में अपना डेब्यू करती हैं और फिर उसके बाद में इन्हें और भी बॉलीवुड मूवी में काम तो मिलता है पर उसके बाद में इन्हें काम मिलना बंद हो जाता है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है और ये अपना खुद का टिफिन सेंटर शुरू करती हैं। और साल 2018 में इन्हें पता चलता है कि इन्हें टीबी बन चुकी है, तो मुंबई के एक नॉर्मल हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में ये अपना इलाज कराना शुरू कर देती हैं। कोई अचानक से इनकी वीडियो बना लेता है और ये वीडियो वायरल हो जाती है और ये वीडियो कैसे भी करके सलमान खान तक पहुंच जाती है और सलमान खान खुद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उनके इलाज का पूरा खर्चा उठाते हैं। एंड इनके पूरी तरह से रिकवर होने तक सलमान खान इनका अपने फैमिली मेंबर की तरह ध्यान रखते हैं। और जब ये पूरी तरह से रिकवर हो जाती हैं तो सलमान खान बॉलीवुड में इनके डेब्यू का सपना भी पूरा करते हैं और ये कहती हैं कि सलमान खान इनके लिए गॉड हैं। मैंने बहुत सारे एक्टर से मदद की मांग की पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। ये दुनिया बाहर से जितनी अच्छी दिखती है ये अंदर से उतनी अच्छी है नहीं। इस दुनिया में मेरे लिए सलमान खान सबसे अच्छा इंसान है। मैं तो कहूंगा वो ऐसा फरिश्ता है, एंजल, जो यू नो एक ऐसे इंसान के रूप में आए हैं, बट ही इज अ मिरेकल, व्हाटएवर सरेंडर, ही इज अ मिरेकल। और सलमान खान एकमात्र ऐसा इंसान है, अगर आपको मदद की जरूरत है तो वो आपकी मदद करने जरूर आएगा। एक बार को वो आपकी खुशी में आने से इनकार कर देगा लेकिन वो आपकी मदद करने जरूर आएगा। सलमान खान की फैमिली ने अर्पिता खान को गोद लिया था और आज तुम खुद देख सकते हो कि उन्हें सलमान खान की फैमिली से कितना प्यार मिलता है। और अगर आप भी कहीं ना कहीं सलमान खान से प्यार करते हो या फिर उन्हें हेट भी करते हो तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। एक इंसान के अंदर कोई ना कोई गलतियाँ, कोई ना कोई खामी जरूर होती है और जिस इंसान के अंदर एक दो गलतियाँ, एक दो खामी हैं, अगर उस इंसान के अंदर हजार अच्छाइयाँ हैं तो वो इंसान गलत नहीं हो सकता। आज के टाइम पर सलमान खान को नीचे दिखाने वाले, उन्हें हेट करने वाले हजारों लाखों मिल जाएंगे लेकिन उनकी तारीफ करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सलमान खान के बारे में कुछ अच्छी बातें समझाने की कोशिश करी है। अगर आप मेरी बात को समझे हो और मेरी बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि जिन लोगों के दिलों में सलमान खान के लिए नफरत की आग जल रही है वो जरा ठंडी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।